कांग्रेस सोशल मीडिया कैंपेन चला रही है। कैंपेन का नाम है नफरत वर्सेस मोहब्बत और कांग्रेस से जनता को जोड़ने का यह अभियान, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस ने सोशल मीडिया आर्मी बनाई हुई है और पार्टी ने सोशल मीडिया टीम को यह भरोसा दिया है कि सरकार बनते ही आपको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी जाएगी, आप लोगों को जोड़िए, कांग्रेस पार्टी की रीति नीति विचारधारा से अवगत करवाइए और आने वाले चुनाव में कांग्रेस पार्टी यदि सरकार बनाती है तो एक बड़ी और महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आपको दी जाएगी। और इसी उम्मीद में सोशल मीडिया के जो लोग जोड़े गए हैं वो पार्टी के लिए कैंपेन चला रहे हैं नफरत वर्सेस मोहब्बत। देखिए, आज हमारे नव संचार जो हमारा समागम था उसमें सोशल मीडिया विभाग के जितने भी हमारे कार्यकर्ता आए, उन योद्धाओं को हमारे प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी जी और हमारे दबंग नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार जी ने संबोधित किया। और जीतू पटवारी जी ने जहां मोहब्बत की बात करने की बात कही, वहीं उमंग सिंघार जी ने 28 में हमारी सरकार बनते से ही सोशल मीडिया के योद्धा जो लगातार सोशल मीडिया पे लड़ रहे हैं उनको सरकार में जगह देने की भी बात करी, जिससे हमारे कार्यकर्ताओं में, हमारे सोशल मीडिया के योद्धाओं में एक नया संचार हुआ और इसी को नव संचार के रूप। और वासु चौरे हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वासु, एक कच्चा लालच सोशल मीडिया आर्मी के लोगों को दिया गया कि सरकार बनी तो आपको भी कुछ बदले में देंगे, और ये बदले में देने या किसी उम्मीद में करने वाली राजनीति ही प्रदेश में कई बार विसंगतियां पैदा करती है और फिर ऐसे ही लोग पार्टियां बदलते हैं। अब देखिए, मध्यप्रदेश में कांग्रेस पार्टी अब एक बड़ा कैंपेन चलाने जा रही है और इसको राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान का जो एक पूरा कैंपेन रहा, जो सफल भी रहा और कई राज्यों में इसके परिणाम भी कांग्रेस को देखने को मिले, उसी तर्ज पर ये पूरा जो कैंपेन है वो चलेगा। नफरत वर्सेस मोहब्बत की मोहब्बत का ये जो कैंपेन है, कांग्रेस ने फिलहाल इस टैगलाइन के साथ आगे बढ़ने का निर्णय लिया है और कल एक बड़ी बैठक पीसीसी में आयोजित की गई थी जहां पर यह भरोसा दिलाया गया कि अगर सरकार बनती है तो सोशल मीडिया पर अच्छा काम करने वाले भारतीय जनता पार्टी से। पंकज जी हमारे साथ मौजूद हैं। पंकज चतुर्वेदी जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर नफरत वर्सेस मोहब्बत एक अभियान चला रही है, इस अभियान के बारे में जानकारी है आपको? पंकज जी, आवाज मिल पा रही है? हाँ जी, आवाज आ रही है आपको? मैं सुन पा रहा हूं सर। एक सवाल यह है कि कांग्रेस पार्टी सोशल मीडिया पर लोगों को जोड़ने के लिए नफरत वर्सेस मोहब्बत का एक अभियान चला रही है। ये मोहब्बत वही मोहब्बत है जिसे राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान एक बयान में भी कहा था। ये नफरत वर्सेस मोहब्बत अभियान के बारे में सुना आपने? ये क्या है और किस तरह से काम करता है ये? देखिए आशीष जी, नाम मोहब्बत का, दुकान मोहब्बत की और काम नफरत का, कारोबार नफरत के राहुल गांधी जी की फितरत है। जो विदेश में जाकर भारत की और भारत का अपमान करे, भारतीय का अपमान करे, वो कौन सी मोहब्बत कर रहे हैं? जिनके बयान का समर्थन आतंकवादी पन्नू जैसे लोग कर रहे हैं, वो कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हैं? जो देश में आरक्षण खत्म करने की बात कर रहे हो, कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हैं? जो तुष्टिकरण की बात करें, लोगों को बांटने की बात करें, मोहब्बत लोगों को बांट कर होती है कि जोड़कर होती है? हम अखंडता की बात करते हैं, खंड खंड करने की बातचीत करते हैं, तो इसीलिए ऊंची दुकान तीखे पकवान और इनकी फ्लॉप मोहब्बत की दुकान, कहां मोहब्बत की दुकान चल रही है? भूपेंद्र गुप्ता जी भी जुड़ गए पंकज जी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। भूपेंद्र जी, बहुत स्वागत है न्यूज 18 पर आपका। कांग्रेस पार्टी का जो ये सोशल मीडिया पर कैंपेन है नफरत वर्सेस मोहब्बत, इसका क्या मकसद है सर? देश में जो है चादर और फादर और टोपी से पहचानने वाले लोग सत्ता में बैठे हैं, जो लोगों से कपड़ों के आधार पर भी नफरत करते हैं, घृणा करते हैं। उनके साथ जो है अभी धार में हमारे मित्र अभी बोल रहे हैं जो कि पन्नू से बात कर ली, तो इन्हें बताएं कि इनकी सरकार तो घर तक आतंकवादियों को छोड़ने गई थी, जिन्होंने संसद पे हमला किया था, उनने जो है सैकड़ों लोगों को मारा हिंदुस्तान के, कौन लोग गए थे? सबसे पहले आतंकवादियों को जेल से किसने छुड़वाया था? बीपी सिंह की सरकार में, जिसमें अटल जी के समर्थन से सरकार बनी थी, जिसमें जो है महबूबा मुफ्ती की बहन का अपहरण हुआ था, उन आतंकवादियों को किसने छुड़वाया था? इनकी सरकार ने छुड़वाया था। किसने जो है जाके पठानकोट के एयरबेस की जांच करवाई आईएसआई पाकिस्तान से? इनकी सरकार ने करवाई।
किसकी पार्टी के अंदर जो है आईएसआई का पेड आदमी इनकी पार्टी का जो है पदाधिकारी बन के बैठा था मध्य प्रदेश में ध्रुव सक्सेना, उसका नाम लेने में डरते हैं क्या? पंकज जी, पंकज जी तो बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, इन्हें नाम लेना चाहिए, हिम्मत करना चाहिए, फिर बातें करनी चाहिए ऐसी झूठी सच्ची। कहानी बनाकर किसी को बदनाम करना और कहानी बनाकर झूठ बोलना ये देश में एक्सपोज हो चुका है। अब आपकी कहानियों पर कोई भरोसा करने वाला नहीं है। जब आपका मौका लगा तो आपने जो है पीडीपी के साथ सरकार बना ली, और जब मौका निकल गया तो वो लोग आतंकवादी हो गए। जब मौका लगा तो बुरहान वानी के घर पहुंच गए, और जब मौका निकल गया तो तीन खानदान ने देश खा लिया हो गया। ये तो ये जो झूठ और ये जो कहानी है, बीजेपी कोई भी पार्टी है मौके के साथ सभी को हम देखते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी आम आदमी पार्टी के साथ होती है, कभी उसके विरोध में होती है। विषय ये कि सर ये जो मोहब्बत वर्सेस नफरत वाला कैंपेन चलाया जा रहा है, इसका क्या मकसद है? इसे कैसे सोशल मीडिया पर आप लोग प्रचारित करेंगे और लोगों को जोड़ने का या इसके पीछे का जो ध्येय है वो क्या है? अभी तो बहुत सारे काम हम लोग करने वाले हैं। अभी हमने मध्य प्रदेश के गड्ढे इस प्रदेश की जनता को दिखाए हैं, सरकार को स्वीकारना पड़ा कि 10,000 किलोमीटर में गड्ढे हैं जी। हम जो है हिंदुस्तान, आपको आपको बता दें, शाहपुर में एक दीवार गिरने से 9 बच्चों की मौत हुई, 25,000 का कस्बा है। वहां से जो सज्जन इनके विधायक हैं वो जो है पिछले 20 साल से मिनिस्टर हैं, और वो पीडब्ल्यूडी के मंत्री भी रहे हैं। वहां पर डॉक्टर नहीं, अगर वहां पर डॉक्टर होता तो 5 बच्चों की जान बच सकती थी। ये सरकार दिए इनने, ये जनता से प्रेम है कि नफरत है? जवाब ले लेते पंकज जी से। शासन है कि कुशासन है, इनसे पूछें जरा। जवाब ले लेते पंकज जी से। जी पंकज जी, देखिए शीर जी, जिस पार्टी का सबसे बड़ा नेता इल्हान उमर से मिले, जो भारत का विरोध करते हो, जो ऑक्यूपाइड कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा मानते हो, जिस पार्टी के नेता सबसे बड़े नेता का बयान देश के बाहर देश के विरोध का हो, जो बाबा साहब अंबेडकर के बनाए संविधान के सम्मत आरक्षण को समाप्त करने की बात करता हो, जिसके बयान का समर्थन सिख आतंकवादी पन्नू करता हो, और फिर ये कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान है, इसीलिए ये फ्लॉप राजनीति फ्लॉप दुकान है, जिनको 15-20 साल से देश में कोई नहीं पूछ रहा, 100 तक नहीं पहुंच पाए, पूरी इंडिया मंडी गठबंधन को इकट्ठा कर ले, अकेले भाजपा के बराबर नहीं आ पाए। मध्य प्रदेश में 2003 से 116 का आंकड़ा जो है ना, वो टच नहीं कर पाते, इसीलिए कि वादे झूठे, दुकान झूठी, कारोबार झूठा, राजनीति झूठी। तो झूठ के पांव जो होते हैं ना, नहीं होते, ये दौड़ते बहुत तेज दिखेंगे आप। पंकज जी, राजनीति में आना या जनता के द्वारा स्वीकार किया जाना, इसमें तो समय के साथ परिवर्तन होता ही रहता है, कभी आप सत्ता में कभी कांग्रेस सत्ता में, लेकिन जो ध्येय है वो लोगों का जुड़कर होना चाहिए। और अगर कांग्रेस पार्टी कह रही है कि मोहब्बत वर्सेस नफरत का वो अभियान चला रही है, तो ये कितना कारगर होगा ये भी देखने का विषय। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ इस विषय को लेकर, इस कैंपेन को लेकर कहा जा रहा है, ये भी दर्शकों ने सुना। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। वासु हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। बढ़ते हैं आगे अगली खबर पेंड्रा से, जहां पर एसडीएम कार्यालय में घूसखोरी का एक ऑडियो सामने आया और एसडीएम कार्यालय में स्टेनो का ये कथित ऑडियो वायरल हुआ। गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में ये आय जाति निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए खुलेआम रिश्वत मांगी जा रही है। यहां पर 6,000 रुपए में बिना दस्तावेज के जाति प्रमाण पत्र बनवा लीजिए। ऑडियो सामने आने के बाद अब ये चर्चा का एक कारण बन गया है। दरअसल ऑडियो वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। अधिकारियों ने जांच के बाद कार्रवाई किए जाने की भी बात कही। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता है। और मुंगेली में अतिक्रमण की गई जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया। जंगल की इस जमीन को अब अतिक्रमण मुक्त करवा दिया गया है। दरअसल प्रशासन ने जमीन से अवैध कब्जों को हटाया और करीब 50 एकड़ जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया गया है। बड़ी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में इस पूरी कार्रवाई को अंजाम दिया गया, जहां पर करोड़ों की जंगल की जमीन को जो अतिक्रमण कर कब्जा किया गया था उसे अतिक्रमण मुक्त कराया गया। और करीब 50 एकड़ ये जमीन है और इस जमीन को अतिक्रमण से अब मुक्त करा दिया गया है। और बढ़ते हैं आगे गरियाबंद से अगली खबर, जहां पर 5 मजदूरों को ओडिशा से मुक्त कराया गया है और 5 मजदूर जिन्हें बालंगीर से प्रशासन ने छुड़ाया। ओडिशा के रुई फैक्ट्री में मजदूरों को बंधक बनाया गया था,
आमामोरा के भुंजिया जनजाति के 5 मजदूर सकुशल गरियाबंद पहुंचे थे और 5 मजदूरों को ओडिशा से मुक्त कराया गया है। बढ़ते आगे, धमतरी में फर्जी दस्तावेजों से लाखों का लोन लेने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी महिला ने फर्जी दस्तावेजों से करीब 85 लाख रुपए का लोन लिया हुआ था और आरोपी महिला को 8 साल से ढूंढा जा रहा था। अब जाकर इसे गिरफ्तार किया गया। आरोपी ने बैंक से 2016 में लोन लिया था और इस लोन की भरपाई करना तो दूर, जो कागजात इसमें दिए गए थे वे भी फर्जी थे। और अंबिकापुर में झमाझम बारिश के चलते हालात अस्त व्यस्त हो चुके हैं। जिले में कई जगह कर्ज कस्बे में बारिश के बाद मौसम विभाग की तरफ से जो पूर्वानुमान मिला है उसमें बताया जा रहा है कि बारिश होगी लगभग 48 घंटे और मौसम विभाग ने ये येलो अलर्ट भी यहां पर जारी किया है। और आपको बता दें कि बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो रहा है, क्योंकि बारिश का आलम यह है कि कभी तेज तो कभी धीमी लगातार हो रही है बारिश। और बढ़ते आगे, सरगुजा से बस्तर तक 3 दिन बारिश के आसार बने हुए हैं और मौसम विभाग ने बलरामपुर, रायगढ़, जशपुर, अंबिकापुर के इलाकों में बदलाव की जताई है संभावना और अगले 24 घंटे में सरगुजा संभाग के 1-2 जगहों पर बारिश की संभावनाएं बन रही हैं। और ऐसे में जो 24 घंटे हैं वो काफी महत्वपूर्ण बारिश के लिहाज से। और मध्य प्रदेश में भी एक बार फिर से झमाझम बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। कहीं हल्की तो कहीं तेज बारिश होगी। दरअसल प्रदेश में तेज बारिश का दौर जहां शुरू होगा इसमें जबलपुर, चंबल, ग्वालियर संभाग की सबसे ज्यादा संभावनाएं हैं। जो भी कटनी, नरसिंहपुर और सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, डिंडोरी, मंडला जैसे जगहों पर भी मध्यम बारिश से भारी बारिश होने की संभावना मौसम विभाग की तरफ से जताई गई है। तो जबलपुर, चंबल, ग्वालियर संभाग में झमाझम बारिश होगी और एक बार फिर से बारिश का दौर यहां पर देखने को मिल सकता है। क्योंकि आज कई जिलों में रुक रुक कर बारिश होने की संभावना जताई जा रही है और ऐसे में ये अगले 24 घंटे काफी महत्वपूर्ण हैं। इन जिलों में जहां जबलपुर, चंबल, ग्वालियर संभाग और कटनी, नरसिंहपुर, सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट क्षेत्र में झमाझम बारिश तो कहीं मध्यम बारिश हो सकती है। और राजस्थान के शाहपुरा से एक बड़ी खबर आई, जहां शाहपुरा के जहाजपुर कस्बे में धार्मिक जुलूस पर पथराव के बाद यहां माहौल गर्मा गया। हिंदू संगठनों के जुलूस पर पथराव का आरोप वहां के माहौल को खराब कर रहा है। दरअसल शाहपुरा में एक मस्जिद के पास से जुलूस निकल रहा था और उस पर पथराव किए जाने का आरोप है और पथराव के बाद मस्जिद के बाहर धरने पर विधायक समेत कई लोग बैठ गए। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग भी की गई और मस्जिद में अवैध निर्माण का भी आरोप लगाया गया, जिसके बाद शाहपुरा नगर पालिका ने मस्जिद कमेटी को नोटिस भेजकर जमीन का पट्टा और निर्माण के कागज मांगे। बवाल के बाद पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लिया। और धार्मिक जुलूस पर पत्थरबाजी का यह पूरा मामला जिसमें कि माहौल गर्मा गया, हालांकि पुलिस बल वहां पर तैनात कर दिया गया है और अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की जा रही है। दरअसल आपको बता दें कि ये पत्थरबाजी के आरोप के बाद माहौल यहाँ गर्मा गया था। जहाजपुर कस्बे में जल झुलनी एकादशी के मौके पर किले से जुलूस निकाला जा रहा था और इस दौरान एक जगह पर कुछ लोगों ने जुलूस पर अचानक पथराव कर दिया। नारेबाजी और पथराव के बाद माहौल गर्मा गया। जुलूस को बाजार में ही रोककर बाजार को बंद करवा दिया गया और आरोपों पर नगर पालिका पूरी तरह से एक्शन में है और मस्जिद से अवैध इमारत को गिराए जाने के लिए 24 घंटे का नोटिस जामा मस्जिद कमेटी को भेजा गया और इस नोटिस में इमारत का पट्टा और स्वीकृति आदेश 24 घंटे में पेश करने के लिए भी कहा गया है। और अब 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।